हेलो किड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑनलाइन मैथ स्टडी टाइम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो टुडे आई एम हियर विद क्लास सिक्स मैथ चैप्टर टू होल नंबर्स। एंड इन माय लास्ट वीडियो आई डिस्कस्ड अबाउट चैप्टर वन एंड वी हैव फिनिश्ड दैट चैप्टर। सो टुडे फ्रॉम टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर टू। So those children who are new on my channel, please subscribe my channel so that you can watch the other videos that you have missed of chapter 1. Okay kids, so let's start today's video. So kids, as I told you, we will start today chapter 2 whole number. Before starting this chapter, I would like to thank you all who subscribed my channel and you are liking my videos very much. Thanks for that. And if you are new on my channel, so I request you again, please subscribe. And if you like this video, you can also click on like button and you can share with your friends. So please watch the whole video, full video till the end so that you will not miss any point, okay, any important point. क्योंकि ये जो starting है whole number का chapter 2 का, इसीलिए आपको starting से लेकर end तक पूरा video अच्छे से देखना है ताकि आप कोई भी important point miss नहीं करेंगे। तो आज हम ये चार topics cover करने वाले हैं। पहले हम देखेंगे introduction of whole numbers, then I will discuss about comparing two whole numbers, दो कंपेयर नंबर होल नंबर्स को कैसे कंपेयर किया जाता है। देन यू विल लर्न प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर्स एंड एट लास्ट आई विल शेयर सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स विद यू। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो किड्स, बिफोर लर्निंग होल नंबर्स, व्हाट आर द होल नंबर्स, यू विल हैव टू लर्न अबाउट नेचुरल नंबर्स। ओके, so the natural numbers are all counting numbers that start from 1, or you can say that all positive numbers, okay, are called natural numbers, and the set of natural number denotes with n. So you can say that like starting from 1, as I told you ke 1 se start hote hain sabhi natural numbers and it can go up to infinitive, hai na, ye infinitive ka sign hai, ye aap senior classes mein sikhenge। तो इनफाइनाइट का मतलब होता है, मतलब काउंटलेस, आप कहीं तक भी इसको नेचुरल नंबर्स जा सकते हैं पॉजिटिव वे में, ठीक है। और अगर नंबर लाइन पे अगर हम शो करें नेचुरल नंबर, तो ज़ीरो नहीं होता है नेचुरल नंबर से, ज़ीरो से आगे जितने भी पॉजिटिव नंबर होते हैं तो वो सभी नेचुरल नंबर्स माने जाते हैं, ठीक है बच्चों। आपने क्लास 5 में भी नेचुरल नंबर की डेफिनेशन सीखी होगी, अगर नहीं सीखी है तो ये आपके सामने है नेचुरल नंबर्स के बारे में। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं और सभी पॉजिटिव इंटीजर्स, यू कैन से दैट नेचुरल नंबर्स होते हैं, ठीक है। नाउ आवर मेन डेफिनेशन, दैट इज होल नंबर। व्हाट इज होल नंबर? सो वेरी सिंपल, ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। नेचुरल नंबर तो सभी होल नंबर होते हैं, ठीक है, 1 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन जीरो भी अगर लिख दे तो वो होल नंबर माना जाता है, ठीक है। नंबर्स आर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड जीरो। तो होल नंबर्स वो नंबर होते हैं जो नेचुरल नंबर भी हो और उसमें जीरो भी हो। जैसे कि यू लुक एट दिस नंबर लाइन, जीरो से स्टार्ट है, तो 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, दीज आर ऑल होल नंबर्स। ओके, सो लुक एट दिस एग्जाम्पल्स ऑल्सो, इंटीजर्स, आपके इंटीजर्स नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होते हैं, जीरो भी उसमें आ जाता है, ठीक है। होल नंबर्स हमेशा जीरो से स्टार्ट होते हैं और वो भी पॉजिटिव होते हैं नेचुरल नंबर की तरह, ठीक है। और नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होता है, जीरो नहीं होता है। ओके बच्चों, तो ये हमारा डेफिनेशन था होल नंबर्स का। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। आपसे कोई भी कभी भी क्वेश्चन पूछे आप भूलेंगे नहीं कि होल नंबर्स जीरो से स्टार्ट होते हैं, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स होल नंबर्स कहलाते हैं, जीरो से जो स्टार्ट हो रहे हैं, बट नेचुरल नंबर में जीरो नहीं होता है, वो 1 से स्टार्ट होता है। ओके, सो नेक्स्ट इज हाउ टू कंपेयर टू होल नंबर्स। वैसे तो मैंने कंपैरिजन अपने चैप्टर 1 में बहुत अच्छे से बहुत सारे पॉइंट्स के साथ डिस्कस किया है, ठीक है बच्चों। तो तभी मैंने आपको बोला था कि अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखा है, उसमें कंपैरिजन मैंने सिखाया है,
ठीक है, तो आप सब्सक्राइब करके वो वीडियो को ढूंढ के चैप्टर वन की कंपैरिजन वाली वीडियो देख सकते हैं। बट इसमें भी मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कंपैरिजन कैसे होता है किसी भी होल नंबर्स का। ठीक है, सो फर्स्ट इज टू कंपेयर होल नंबर्स, वी शुड फर्स्ट काउंट द डिजिट्स इन द टू नंबर्स। जो भी आपको दो नंबर दिए हैं उनमें पहले डिजिट्स काउंट करिए। ठीक है, तो उसके बाद जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे वो नंबर बड़ा होगा, दूसरे वाला छोटा होगा। ठीक है, पहला तो स्टेप ये है कंपैरिजन का। सेकंड में क्या कर सकते हैं आप, अ नंबर विद मोर डिजिट्स विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन अ नंबर विद फ्यूअर डिजिट, दैट इज है ना अंडरस्टूड। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाया है, जैसे ये 22,222 है और ये 2,222 है, इसमें 5 डिजिट्स हैं इसमें 4 डिजिट्स हैं, तो ऑब्वियसली 5 डिजिट्स वाला नंबर बड़ा होगा उससे, है ना। तो इस तरह से कंपेयर कर सकते हैं। और भी बहुत से रूल्स हैं कंपैरिजन के, वो आपको मेरे लास्ट टू लास्ट वीडियो में मिल जाएगा। कंपैरिजन फर्स्ट चैप्टर में मैंने डिस्कस किया है। ठीक है बच्चों, और कोई बात नहीं है, आप टेंशन मत लीजिए। जैसे जैसे हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे उसमें कंपैरिजन का टॉपिक आएगा, तो मैं तब आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, आपको एग्जाम्पल से भी अच्छे से समझ आ जाएगा एक्सरसाइज में कि कंपैरिजन कैसे होता है। ठीक है, आपने क्लास 5 में भी वैसे सीखा होगा कंपेयर कैसे करते हैं, 4 से ही स्टार्ट हो जाता है, 3, 4, 5 से, है ना। फिर भी आई विल हेल्प यू आउट, नो प्रॉब्लम। सो नेक्स्ट इज प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर। सो व्हाट इज प्रीडिसेसर, दैट ऑल्सो हैव कम इन प्रीवियस क्लासेस, बट वी विल जस्ट रिकॉल ऑल द पॉइंट्स। सो द प्रीडिसेसर इज द नंबर दैट कम्स जस्ट बिफोर द गिवन नंबर इज कॉल्ड द प्रीडिसेसर। लाइक आई विल गिव यू जस्ट एग्जाम्पल, द इफ एनीबडी से व्हाट इज द प्रीडिसेसर ऑफ 10, यू कैन से दैट 9, उसके जस्ट पहले एक नंबर, 10 से पहले 9 है ना। या फिर आप -1 करके देख सकते हैं, अगर बड़ा नंबर है तो जस्ट पहले, अगर आपको नहीं सूझ रहा है क्या आंसर होगा तो आप -1 कर दीजिए। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल 900 का अगर प्रीडिसेसर होगा तो क्या होगा, 900 -1 899। ओके, सो वन मोर एग्जाम्पल, अब क्लास 6 में तो बड़े नंबर्स होंगे ना, 6 या 7 डिजिट के प्रीडिसेसर अगर आपको निकालना है तो क्या मेथड है, प्रीडिसेसर ऑफ 600,800। सो हाउ विल यू फाइंड द प्रीडिसेसर ऑफ दिस नंबर, सो यू विल सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम दिस नंबर। सो 6,800 में से -1 करेंगे तो देखिए ये 0 में से 1 तो नहीं हो सकता, 10 -1 करेंगे। ठीक है, यहाँ से बोरो लेंगे, ये आपने छोटी क्लासेस में सीखा होगा, तो यहाँ 9 आ जाएगा, फिर ये 9 होगा, 8 का 7 हो जाएगा, ये 0,0,0 रहेगा। ठीक है, सो 6,799 इज द प्रीडिसेसर ऑफ 6,800। ओके बच्चों, तो ये प्रीडिसेसर हो गया आपका। अभी सक्सेसर क्या होता है, द नंबर दैट कम्स जस्ट आफ्टर द गिवन नंबर इज कॉल्ड सक्सेसर। लाइक विच एवर नंबर यू हैव, जस्ट एड 1 टू फाइंड द सक्सेसर। ठीक है, उसमें जस्ट 1 ऐड कर दो आपको सक्सेसर मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल 9,999 का अगर आपको सक्सेसर निकालना है तो +1 किया तो 10,000 आ गया। ओके, सो वेरी सिंपल। वन मोर एग्जाम्पल, सक्सेसर ऑफ 790,899 विल बी 790,899 +1, सो यू विल गेट 790,900। तो ये प्रीडिसेसर और सक्सेसर हो गया हमारा टॉपिक। अभी इसके बाद आप सीखेंगे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। सो सम आर वेरी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, दिस इज यू कैन से दैट मैथमेटिकल फैक्ट्स और मैथमेटिकल नॉलेज, ओके, जस्ट रिलेटेड टू दिस चैप्टर होल नंबर्स। सो द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, इफ एनीबडी विल आस्क यू व्हाट इज दैट, 1, सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 होता है। और 0 जो होता है, 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। अगर स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर की बात की जाए तो 1 है, अगर स्मॉलेस्ट होल नंबर की बात की जाती है तो वो 0 होता है। ओके, नेक्स्ट, देयर इज नो लार्जेस्ट होल नंबर। ओके, सो देयर इज नो लार्जेस्ट होल नंबर, कोई लार्जेस्ट होल नंबर नहीं होता है, मतलब इन्फिनिटिव तक होते हैं होल नंबर्स। ठीक है, 0 से स्टार्ट होकर कहीं तक भी जा सकते हैं। बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव होल नंबर्स देयर लाइज नो होल नंबर्स। सपोज फॉर एग्जाम्पल
0, 1, 2, 3 कंसेकेटिव, मतलब जिसमें कोई भी बीच में डिफरेंस नहीं हो, गैप नहीं हो, लाइक 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, है ना। तो इसमें कोई बीच में होल नंबर लाई नहीं करता है ना। अगर हम निकालें तो डेसिमल वो आ जाते हैं, ठीक है बच्चों, तो वो होल नंबर वो फ्रैक्शन में आ जाता है फिर। ओके, सो नेक्स्ट फैक्ट इज ऑल नेचुरल नंबर्स आर नॉट होल नंबर्स बट ऑल होल नंबर्स कैन बी नेचुरल नंबर्स। हाउ? एज आई टोल्ड यू कि नेचुरल नंबर होल नंबर ये कह रहे हैं कि नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। लेकिन होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकते हैं, है ना, क्योंकि नेचुरल होल में 1 भी आ गया है ना, 1 से भी स्टार्ट हो रहा है। बट नेचुरल नंबर कभी होल नंबर नहीं हो सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये इस चैप्टर से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे। अभी हम बहुत कुछ इसमें सीखेंगे। ये तो जस्ट बेसिक था इस चैप्टर का जो मैंने आपको स्टार्ट किया है। फिर हम इसके बाद अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे कि नंबर लाइन पे होल नंबर्स को कैसे दिखाते हैं, ठीक है। एंड देन यू विल लर्न द प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स, एनी नंबर्स, चाहे वो होल हो, नेचुरल नंबर्स हो, प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है उसके बारे में भी सीखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। फिर हम बेसिक अपना जो एक्सरसाइज पे आएंगे वो स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे। तो आज ये फर्स्ट वीडियो था चैप्टर 2 का। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। बट आपको ये याद रखना है कॉन्सेप्ट कि कोई भी आपसे पूछे होल नंबर नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, इतना आपको नॉलेज होना चाहिए। ओके बच्चों, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वी विल मीट वेरी सून विद द नेक्स्ट वीडियो। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल बिफोर लीविंग। एंड टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।